हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पर हम लोग SSCGL 2021 के 20 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अ पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विथ एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो अवास्तविकता में विश्वास करता हो और उसी में विश्वास करके अपना ज़िंदगी को जीना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल ये तो सैनोनिम हो गया। रैशनल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इंटेलेक्चुअल, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बुद्धिजीवी बोलते हैं, बुद्धिजीवी। ऑप्शन डी में है फ्रेंड्स क्विक्जॉटिक, जिसका मतलब होता है अनरियलिस्टिक, और जिसको हम कहते हैं जो अवास्तविकता में विश्वास करे, तो इसका जो है सैनोनिम OWS क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो चलिए फ्रेंड्स, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77th में। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसके लिए चार ऑप्शन है, तो हमें हर ऑप्शन को चेक करना होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला में है DABC, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन इन ए विलेज, ये हो गया डी। उसके बाद ए, एक बार की बात है कोई आदमी जो है कि किसी को में रहता था। ए, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स, उसे चोरी करने की आदत थी, भोजन खाना चुराने की आदत थी। डी ए बी, एक दिन एक रात क्या होता है, द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन एंड केप्ट ओनली रोटेन फूड इन द किचन। वो क्या करता है, रसोई घर में जो है क्या करता है, रसोई घर में जो है खाना जो है वो रख देता है। गांव के जो भी ग्रामीण व्यक्ति थे, ग्रामीण वासी जो थे, वो रख देता है। उसके बाद क्या होता है, सी द कल्प्रिट, वो जो था द कल्प्रिट इंडेड अप ईटिंग द रोटन फूड एंड फेजिक, वो जो है खाना खा लेता है और अंततः वो क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। तो ऑप्शन ए ही मेरा मीनिंगफुल बना रहा है पैराग्राफ को, तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर आ रहा है, तो हम रेस्ट थ्री ऑप्शंस को हम चेक नहीं करेंगे। अगर चेक करेंगे तो मेरा फ्रेंड्स टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए टाइम को हमें सेव करना है एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम 78 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 78 में है कमेंस का हमको सैनोनिम बताना है। कमेंस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? शुरू करना। तो इसका सैनोनिम क्या है? स्टार्ट। पहला ही ऑप्शन फ्रेंड्स इसका सैनोनिम है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रेस्ट ऑप्शन का भी हम लोग मीनिंग जान लें। जैसे शूट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गोली मारना। स्टैंड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? खड़ा होना। स्कूल में हमने सुना है स्टैंड अप ऑन द बेंच। स्टॉप मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रोकना। जैसे हम लोग ट्रेन बैरियर के पास देखते हैं स्टॉप लिखा हुआ रहता है बैरियर में, मीन्स रुकना है हमें, बढ़ना नहीं है। चलिए फ्रेंड्स 79th क्वेश्चन को चेक करते हैं, देखते हैं। 79th में है रिसर्चर्स हैव फाउंड, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशंस डैश यूनिवर्सली इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस 12 वर्ल्ड रीजन्स। रिसर्चर्स जो है उसने ये पाया है कि 16 फेशियल एक्सप्रेशन है जो वो डैश हो रहा है। ये तो अकर मतलब क्या होता है फ्रेंड? होना होता है। स्ट्राइक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पीटना होता है।
जैसे पीटना हो गया। ट्रांसपायर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, भाप बनकर उड़ जाना, जैसा कि ट्रांसपिरेशन पेड़ पौधा करता है ना, मीन्स वाष्पीकरण होता है, यानी भाप बनकर उड़ जाना। विफल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विफल मतलब होता है बीतना, कोई भी चीज़ का बीत जाना। तो अगर यहाँ पे जो है रिसर्चर्स ने यह पाया है कि सेक्शन फेशियल एक्सप्रेशन है जो वो क्या हुआ है, अकर हुआ है यूनिवर्सली, मतलब है विद ऐसा हुआ है सिमिलर कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस 12 वर्ल्ड रीजन्स। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, होने का सेंस ये आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा होगा ए। तो चलिए फ्रेंड्स 88th क्वेश्चन में, तो ये एक एरर का फ्रेंड्स क्वेश्चन है। तो सुनील है, सुनील सुनील क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर है या प्लुरल? सुनील जो है हमारा सिंगुलर सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, हम हैज का यूज करेंगे। और यहाँ पे जो है 2 ईयर्स दे रखा है, 2 ईयर मीन्स क्या लगेगा हमें, बिफोर लगेगा। तो हैज़ बिन वर्किंग, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 81st क्वेश्चन में, तो इसमें फ्रेंड्स हमें इनकरेक्ट जो स्पेलिंग गलत है वो हमें बताना है। ड्रॉट ये स्पेलिंग सही है, डाउट का स्पेलिंग सही है, डेंटल का स्पेलिंग सही है, डिक्शनरी का स्पेलिंग फ्रेंड्स यहाँ पे रॉन्ग है। डिक्शनरी का क्या स्पेलिंग होता है, DICTIONARY, यहाँ पे इसमें टी के बाद आई नहीं दिया हुआ था, ये यहाँ पे रॉन्ग था। उसके बाद डेंटल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, और सब वर्ड का भी हम लोग मीनिंग जान ले तो डेंटल मतलब होता है दांत से संबंधित होता है, दांत से संबंधित रिलेटेड टू टीथ। डाउट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, संदेह। ड्राउट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सुखाड़। सुखाड़ मीन्स लगातार जब धूप होती है तो उसको हम सुखाड़ बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 82nd क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। 82nd में हमारा क्वेश्चन है, ये अगेन जो है इनकर जो स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है, कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है। एडिक्वेट ये राइट है, एडामेंट राइट है, एडवेसेबल ये रॉन्ग है हमारा। एडवेसेबल का क्या होता है फ्रेंड्स, ADVISABLE, यहाँ पे जो है इसमें एस के बाद जो है ई ए, ये ई नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ई इसने लगा रखा है तो ई नहीं आएगा, एस के बाद डायरेक्ट ए आएगा, एस के बाद ए आएगा। तो एडेक्वेट मतलब, और रेस्ट वर्ड का हम लोग मीनिंग जान लें, जैसे यहाँ पे एडेक्वेट दे रखा है, एडेक्वेट मतलब क्या होता है, पर्याप्त, कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में। अडामेंट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अडामेंट मतलब होता है जिद्दी, कोई व्यक्ति जो जिद्दी होता है। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, अल्टर मतलब होता है बदलना, अल्टरनेट मतलब हम लोग कॉमनली ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 83rd क्वेश्चन में, द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हर्ड हट। तो द हर्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जानवरों का समूह या फिर भेड़ों का समूह को क्या कहेंगे, द हर्ड कहेंगे। द हर्ड ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के साथ क्या यूज होता है फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन के साथ इज यूज किया जाता है, क्योंकि उसको सिंगुलर मानते हैं। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर नंबर में मानते हैं तो उसके साथ हम इज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, हैज का तो सेंस नहीं दे रहा है, इन द फील्ड्स फ्रॉम द फार्मर्स हट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सी इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक से। तो यहाँ पे इज ग्रेजिंग आ जाएगा, इसी का सेंस हमें दे रहा है, द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट, तो इज ग्रेजिंग, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 84th क्वेश्चन को सॉल्व करें। टू पे लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस ये एक idiom है, इसका हमें मीनिंग बताना है। तो पे टू पे लिप सर्विस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स,
टू पे लिप सर्विस मतलब होता है कपटी होना, मीन्स झूठा झूठा होना, जो छल करता है उसको कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, टू बी इनसिंसियर, टू बी इनसिंसियर मतलब होता है धोखा देना या फिर कपटी होना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेक लाउड स्टेटमेंट्स ये तो होगा नहीं, ये आस्क फॉर परमिशन, लिप्स रिलेटेड तो परमिशन तो होगा नहीं, लाउड स्टेटमेंट लिप्स रिलेटेड तो ये भी नहीं होगा, ये सब बाकी कुछ कुछ नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 85th क्वेश्चन में, फ्रेंड्स वन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो कि एक एग्जामिनेशन हॉल में जो है सब चीज़ की निगरानी करता है, सब चीज़ को देखता है, तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इन्विजिलेटर कहते हैं। ये तो हम लोग बचपन से टीचर बचपन से हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो लिखा रहता है इन्विजिलेटर सिग्नेचर, तो हम लोग वहाँ भी देखते हैं इस वर्ड को फ्रेंड्स। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वेरीफायर मतलब तो चेक करना, वेरीफायर हम लोग फोन वेरीफिकेशन करते हैं, पुष्टि करना हिंदी में अगर जाएँ तो इसको साबित करना, पुष्टि करना। इंस्पेक्टर जो निरीक्षक होता है जो जांच करे, मैनेजर प्रबंधक जो प्रबंध करने वाला व्यक्ति। तो चलिए फ्रेंड्स 86th क्वेश्चन को चेक करें। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, इसका एक सैनोनिम बताना है, सैनोनिम मीन्स सेम मीनिंग देने वाला। प्रिंसिपल हमने 9th क्लास में पढ़ा था, प्रिंसिपल मतलब होता है 9th में मैथ में एक्ज्यूम एक वर्ड था, इस ये एक तरह एक टाइप ऑफ क्या होता है ये, और टाइप ऑफ ये प्रिंसिपल ही होता है जो स्पेशली मैथ में यूज होता है। तो ये इसका सैनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो रेस्ट ऑप्शन को चेक करें। लीडर मतलब नेता, हेडमास्टर मतलब जो शिक्षक होता है, कंक्रीट मतलब क्या होता है, सीमेंट छड़ बालू का जो होता है जो बनाता है, जो हम कॉलम में यूज करते हैं घर बनाने में, उसको कहते हैं हम कंक्रीट। चलिए फ्रेंड्स 87th में, टू गेट द बॉल रोलिंग, हमने बॉल को क्या किया, लुढ़का दिया जमीन पे, मींस हमने क्या किया जब हम फील्ड पे जाते हैं, यानी बॉल को लुढ़काएं मतलब हम लोग खेलेंगे। तो इस फ्रेंड पर का अगर हम थिंक करें तो बॉल को लुढ़काएं मींस जैसे गए हम लोग फुटबॉल को लुढ़का दिए, मींस अब खेलना हम लोग स्टार्ट करेंगे, मींस कोई काम शुरू करना, टू बिगिन अ प्रोसेस, कोई काम शुरुआत करना, उसको हम क्या कहेंगे, टू गेट द बॉल रोलिंग। इस idiom का मीनिंग ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो जैसा फ्रेंड्स बॉल है, यहाँ भी बॉल है, तो सेम मीनिंग वाला तो होता नहीं, ये भी नहीं होगा, टू कीप वर्किंग अंटिल लेट ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 88th क्वेश्चन में, कमल सेड आई हैव डन माई वर्क, कमल ये एक इनडायरेक्ट स्पीच, कमल सेड उसके बाद क्या आएगा, दैट आएगा, ही हैड आई हैव, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच ये प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये क्या किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट हैव है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, हैव इसमें भी हैव है तो ये रॉन्ग हो गया, अगेन इसमें ही हैज आ गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी में क्या है, ही हैज है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स 89th क्वेश्चन में, तो हमें एक अगेन जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पर बेस्ट चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इसको मीनिंगफुल बनाए, इस पैराग्राफ को। चलिए फ्रेंड्स हम लोग चेक करें, जैसे कि यहाँ बी डी ए सी है, चलिए बी को हम लोग रीड करें, द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच, और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें ये ए सी, ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो, और ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएगा, और बी, ये दोनों बी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है, ए या बी में कोई एक आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको चेक करें, तो द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच मैन मेड फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज पॉलीमर्स,
द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच मैन मेड फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज पॉलीमर्स अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स कैरेक्टराइज बाई लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रेट साइज एंड मोलिकुलर वेट बी उसके बाद डी मैनी ऑफ द पॉलीमर्स दैट कंस्टिट्यूट मैन मेड फाइबर्स आर द सेम एज और सिमिलर टू कंपाउंड्स दैट मेक अप प्लास्टिक्स रबर्स एडेसिव एंड सरफेस कोटिंग्स बी के बाद डी उसके बाद ए इंडिट पॉलीमर्स सच एज रिजनरेटेड सेल्यूलोज विच हैव ये हमें ये सुटेबल मीनिंग नहीं दे रहा है फ्रेंड्स. बी के बाद सी को रीड करें. बी सी द केमिकल कंपाउंड्स विच फ्रॉम विच मैन मेड फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज पॉलीमर्स अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स कैरेक्टराइज बाई लॉन्ग चेन लाइक मोलिक्यूल्स ऑफ ग्रेट साइज एंड मोलिकुलर वेट एज फाइबर्स दीज मटेरियल्स आर प्राइज्ड फॉर दियर स्ट्रेंथ टफनेस रेसिस्टेंस टू हीट एंड माइल्ड एंड एबिलिटी टू होल्ड प्रेस्ड फॉर्म यस बी के बाद सी मीनिंगफुल बना रहा है. मेनी ऑफ द पॉलीमर्स दैट कंस्टिट्यूट मैन मेड फाइबर्स आर द सेम एज और सिमिलर टू द कंपाउंड्स दैट मेक अप प्लास्टिक्स रबर्स एडहेसिव एंड सरफेस कोटिंग्स उसके बाद डी इंडीड पॉलीमर्स सच एज रिजनरेटेड सेल्यूलोज विच हैव बिकम फैमिलियर हाउस होल्ड मटेरियल्स अंडर द ट्रेड नेम्स रेयन एंड नायलॉन आर ऑल्सो मेड इनटू नंबरस नॉन फाइबर प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सेलो फैन इन विंडोज टू क्लियर प्लास्टिक. यस फ्रेंड्स हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. ये मीनिंगफुल सेंटेंस ये मीनिंगफुल बना रहा है पैराग्राफ को. चलिए फ्रेंड्स 90th क्वेश्चन में सेंसर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स. सेंसर मतलब होता है निंदा करना या किसी की निंदा करना या फिर आलोचना करना. तो इसका क्या हमें एंटोनिम बताना है. निंदा करना अप्लाउज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स प्रशंसा करना. तो इसका एंटोनिम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. फॉल्ट मतलब क्या होता है कोई भी गलती कोई भी त्रुटि. ब्लंडर मतलब क्या होता है बड़ी गलती सबसे बड़ी गलती बोलते हैं ना बड़ी गलती. और ब्लंडर के बाद फ्रेंड्स मिस्टेक वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता है. कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है. कंटेम्प्ट मतलब होता है अ टाइप ऑफ इंसल्ट अपमान होता है. कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स अपमान होता है. और फॉल्ट मतलब क्या होता है गलती या फिर त्रुटि. तो अप्लाउज मतलब क्या होता है प्रशंसा करना. सेंसर का अपोजिट प्रशंसा करना. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलिए फ्रेंड्स 91st क्वेश्चन में द कैबिनेट हैज डैश ए प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज आर फंडेड एंड मैनेज्ड. कैबिनेट जो है क्या किया है डैश किया है मतलब प्रपोजल को डैश किया है. प्रपोजल को क्या करेगा एंडोर्स मतलब क्या होता है. तो हमें इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स खतरे में डालना. जैसे टाइगर बाघ की संख्या जो इधर मतलब नंबर ऑफ टाइगर जो है डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है उस मतलब वो खतरे में जा रहा है. तो इंडेंजर उसके सेंस में यूज़ करते हैं. इवेपोरेट मतलब पानी इवेपोरेट होता है भाप बन के वो उड़ता है वहाँ हम यूज करते हैं. यहाँ प्रपोजल यहाँ इंडियर डियर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स प्यारा. इंडियर मतलब टू लव समवन. इंडियर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स टू लव. इंडोर्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स इंडोर्स मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग लाइक प्रपोजल. जैसे यहाँ पे प्रपोजल है टू सपोर्ट होता है. प्रपोजल तो यहाँ आया है ही. द कैबिनेट हैज सपोर्टेड मीन्स इंडोर्स्ड द कैबिनेट हैज इंडोर्स्ड अ प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज आर फंडेड एंड मैनेज्ड. मीन्स यहाँ पे जो राइट जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो कौन सा वर्ड होगा इंडोर्स्ड. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए फ्रेंड्स 92nd क्वेश्चन को सॉल्व करें. माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमोरो. माई ब्रदर फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगुलर में है या प्लूरल में है. माई ब्रदर वन ब्रदर है सिंगुलर है. तो इसके लिए क्या आएगा लिव में क्या आएगा फ्रेंड्स लिव में ऐसा आएगा मीन्स सिंगुलर भर भी आएगा. सिंगुलर
सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर में है, तो ये भी क्या आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा। तो बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, हु लिव इन पुणे, हु लिव इन पुणे के प्लेस पे क्या आएगा, हु लिव्स, लिव में एस लगेगा, इन पुणे, ये आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 93rd क्वेश्चन को सॉल्व करें। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रिजाइनेशंस ऑन प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे एट द लास्ट मीटिंग इसमें एरर नहीं है, विच टुक प्लेस इन नवंबर इसमें भी एरर नहीं है, हाफ द मेंबर्स इसमें भी एरर नहीं है। एरर कहाँ है, एरर है ऑन प्रोटेस्ट में, ऑन प्रोटेस्ट के प्लेस पे क्या आएगा, ऑन प्रोटेस्ट के प्लेस पे आएगा इन प्रोटेस्ट, ऑन के प्लेस पे क्या आएगा, इन आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इन प्रोटेस्ट। इन प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध में, विरोध में। ऑन का, ऑन का यूज हम फ्रेंड्स कहाँ करते हैं, ऑन का यूज हम करते हैं, ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं, किसी वस्तु पर या किसी वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए, किसी वस्तु पर, जैसे कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर या किसी विषय में कुछ, किसी विषय में कुछ बोलना हो तो उस सेंस को हम दिखाने के लिए वहाँ हम ऑन का यूज करते हैं। और प्रोटेस्ट से पहले इन का यूज होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बी पार्ट, इस पार्ट में एरर है तो ये बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 94th क्वेश्चन को सॉल्व करें। ट्रम्प, एंटोनिम बताना है ट्रम्प का, ट्रम्प मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रम्प मतलब होता है जीत, विजय, क्या होता है जीत। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा फेल्योर, फेल्योर मतलब क्या होता है, हार जाना, हार। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स रेस्ट ऑप्शंस का मीनिंग जान लें। प्राइड मतलब क्या होता है, घमंड, अभिमान। सेलिब्रेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन मतलब कोई उत्सव, कोई उत्सव सब जैसे मनाते हैं। प्राइड मतलब क्या हुआ, घमंड, अभिमान, गर्व, अभिमान या गर्व, ये सब होता है। जॉय मतलब क्या होता है, खुश, खुशियाँ मनना, उत्सव। तो 95th क्वेश्चन को चेक करें फ्रेंड्स। शिवा रोड ए लेटर, ये फ्रेंड्स एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। शिवा रोड ए लेटर टू द हेड, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, V2 आया है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, और लेटर, और लेटर आ जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में है, सब्जेक्ट के बाद V2 है, तो और लेटर वाज, रिटर्न आएगा, तो क्या बाय शिवा, तो ऑप्शन अ लेटर वाज इसमें तो नहीं होगा। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वे आता है, तो ये नहीं होगा। वाज रिटेन बाय द हेड, यहाँ पे शिवा कौन लिखा है, तो शिवा लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। वाज रोड, वाज के बाद भीतरी आता है, यहाँ V2 दे रखा है, तो ये नहीं होगा। पैसिव वॉइस में फ्रेंड्स हमेशा भीतरी आता है, तो बी सी डी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए राइट है, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 96th क्वेश्चन को सॉल्व करें। 96th में अब जो आ गया फ्रेंड्स वो आ गया, हमारा एक पैसेज आ गया है, तो पैसेज पर बेस्ड हमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें उससे सॉल्व करना है। इंग्लिश वोकैबुलरी हैज डैश रिमार्केबल रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी। इंग्लिश वोकैबुलरी हैज डैश, तो क्या आएगा, ए आएगा, द तो पहले फ्रेंड्स नहीं आता, सबसे पहले स्टार्टिंग कोई भी पैराग्राफ हो या फिर स्टोरी हो तो पहला जो होता है वो द तो नहीं आता है, वन तो यहाँ आएगा नहीं, ए या एन में आएगा, तो एन रिमार्केबल, यहाँ तो री से स्टार्ट है ना, तो एन बिना, ना वोवेल साउंड दे रहा है, ना
वोवल साउंड नहीं दे रहा तो नहीं होगा एन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग 97 को फिल करें। इंग्लिश वोकैबुलरी हैज ए रिमार्केबल रेंज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी थैंक्स टू द पीरियड्स डैश कॉन्टैक्ट, थैंक्स टू द पीरियड्स डैश कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, थैंक्स टू द पीरियड्स एट पीरियड्स ऑफ ऑन टू। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल हमें जो यहाँ लग रहा है वो फ्रेंड्स क्या है, ऑफ है, पीरियड्स ऑफ हमने कई बार सुना है, तो यहाँ पे ऑफ इस ऐड तो आएगा नहीं, पीरियड्स ऐड तो आएगा नहीं, ऑन भी नहीं आएगा, टू का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो पीरियड्स ऑफ इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसके बाद आंसर भी ऑप्शन बी राइट है, तो यहाँ पे क्या फील होगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ ऑफ। थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन डैश 98 में क्या है, विथ फॉरेन डैश, यह इंग्लिश के बारे में बात हो रही है, इंग्लिश वोकैबुलरी तो जरूर है कि करेंसीज तो है नहीं, मैथमेटिक्स तो होगा नहीं, साइंस होगा नहीं, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, वोकैबुलरी के बारे में बात हो रही थी, लैंग्वेज पे फोकस किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 98 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो आएगा फॉरेन, यहाँ पे आ जाएगा लैंग्वेजेज आ जाएगा, सपोज लैंग्वेजेज है। थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन लैंग्वेजेस एंड इट्स रेडीनेस टू डैश न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड को क्या करना है, हमें थिंक तो नहीं कर सकते, थिंक मतलब होता है सोचना, ये तो नहीं कर सकते, नया वर्ड तो सोचा नहीं जाता है, नया वर्ड सेड मतलब होता है पत्ता का झड़ना होता है, डिस्कार्ड मतलब होता है त्याग देना, तिरस्कार करना, ये भी नहीं आएगा। नया वर्ड को क्या किया जाता है, क्वाइन मतलब होता है बनाना, और नया वर्ड को बनाने के लिए क्या होता है, नया वर्ड बनाना, यहाँ पर बनाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वाइन, ये स्पेशल वर्ड है, क्वाइन अ न्यू वर्ड। तो इसके लिए स्पेशली हम लोग वर्ड को बनाने के लिए जो बनाना जो आएगा फ्रेंड्स, इसके लिए स्पेशल वर्ड है क्वाइन हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा, तो ऑप्शन ए क्वाइन इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वाइन एंड इट्स रेडीनेस टू क्वाइन अ न्यू वर्ड्स आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स, इंग्लिश सीम्स टू हैव फार मोर वर्ड्स इन इट्स कोर डैश देन अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश में जो है बहुत ज़्यादा वर्ड है इन इट्स कोर डैश देन अदर लैंग्वेजेस। चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करें, लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सेंटेंस जो है स्टार्ट में ही है, सिलेक्शन वर्ड तो यूज नहीं है हुआ है कहीं इस पैसेज में, इन्वेंट्री का भी कहीं यूज नहीं हुआ है, कैटलॉग मतलब भी कहीं यूज नहीं हुआ है, वोकैबुलरी सेंटेंस स्टार्ट ही हुआ था इंग्लिश वोकैबुलरी, मीन्स वोकैबुलरी एक बार यूज हो गया तो अगेन जो है वोकैबुलरी है आएगा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, प्लीज़ लाइक माई वीडियोस एंड शेयर माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल मीट यू, बाय एंड टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।